सिद्धार्थ तिवारी पहुंचे रीवा, सड़क से लेकर भाजपा कार्यालय में हुआ जमकर स्वागत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा व विंध्य में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने वाले स्वर्गीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पौत्र व स्वर्गीय पूर्व सांसद सुंदर लाल तिवारी के पुत्र सिद्धार्थ तिवारी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। दो दिन पहले भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के हाथों सदस्यता ग्रहण कर आज रीवा पहुंचे। इस दौरान उनके समर्थकों ने जमकर स्वागत किया। भाजपा कार्यालय पहुंचने पर वहां भी पहले से उपस्थित मंत्री राजेंद्र शुक्ल, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, सांसद जनार्दन मिश्र, जिला अध्यक्ष व विधायकों के साथ सैकड़ों पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद रीवा पहुंचे सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में लगातार उनकी उपेक्षा की जा रही थी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर वो भाजपा में शामिल हुए हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में दिए गए दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इस दौरान मंत्री राजेंद्र शुक्ल, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और सांसद रीवा जनार्दन मिश्रा ने कहा कि रीवा में कांग्रेस का मतलब स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी था। वो रीवा ही नहीं विंध्य के नेता थे जिन्होंने कांग्रेस की जड़ें मजबूत की। ऐसे परिवार के सदस्य को कांग्रेस वो सम्मान नहीं दे सकी जिसके वो हकदार थे। भारतीय जनता पार्टी में सिद्धार्थ का स्वागत है। सिद्धार्थ के पार्टी ने आने से भाजपा को हर विधानसभा में आगामी चुनाव में फायदा मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि देश का कोई भी देशभक्त आत्मसम्मान को मानने वाला, राष्ट्र सम्मान को मानने वाला कोई भी युवा ऐसा आज नहीं होगा जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहता। मैंने बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, राष्ट्रवाद, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के चार बार के कार्यकाल, प्रदेश में होती हुई विकास की जो गंगा बह रही है इसके कारण, और सनातन धर्म की रक्षा हेतु, अखंड भारत बनाने हेतु मैंने भारतीय जनता पार्टी परसों एक कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन की। जैसा कि हमारे सांसद जी कह रहे थे, समाजवाद क्या है? समाजवाद बीजेपी का जो नारा है, अंत्योदय, अंत्योदय ही समाजवाद। पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति की बात करना, उसको न्याय दिलाना और उसको सारी सुविधाएं दिलाना, यही तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है और यही समाजवाद। देश में विचारधारा की बात करने वाले भी कई लोग हैं। कुछ लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? कि हम किसी के धर्म का सम्मान करें और कोई खुले तौर पर मन से सनातन धर्म का अपमान करे और आप उसको सहते जाएं, क्या यह सेक्युलरिज्म है? अगर यह सेक्युलरिज्म की परिभाषा आपकी है तो मुझे ऐसे सेक्युलरिज्म में नहीं रहना है, मुझे बीजेपी में रहना है। आज पूरा विश्व मोदी जी की लीडरशिप का लोहा मानता है। यूक्रेन युद्ध हो, अमेरिका रशिया की बात हो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो, जर्मनी की चांसलर हो, हर कोई आज मोदी जी की लीडरशिप का लोहा मानता है। और पहली बार भारत के इतिहास में पाकिस्तान और चीन को बराबर तमाचा अगर लगा है तो मोदी जी की लीडरशिप। मुझे समझाते आए हैं और मैं उससे प्रभावित होता रहा। कांग्रेस की हमेशा यह गलती रही और अन्य कट्टरपंथी दलों की यह गलती रही है
कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक को पहचाना ही नहीं, आरएसएस के कार्यकर्ता को पहचाना ही नहीं। आरएसएस की बड़ाई महात्मा गांधी ने भी की थी कि समाज के अंतिम हिस्से को किस तरह से वो जोड़ते हैं और किस तरह से उसकी पीड़ा में वो खड़े होते हैं, ये कोई राजनीतिक दबाव नहीं कर सकता। एक वाक्य मेरे जीवन का और हुआ, बस एक मिनट आपको और दूंगा। हमारे एक मित्र हैं अजय सिंह जी, उन्होंने मोदी जी की एक राजनीतिक जीवनी लिखी। उस किताब को मैंने अंग्रेजी में पढ़ा, हिंदी में पढ़ा और कई बार पढ़ा पिछले डेढ़ से एक साल में, और मुझे समझ में आया कि टीवी और कैमरा तो मोदी जी के बारे में कुछ बताते ही नहीं है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी के बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री जी जो असली में व्यक्ति हैं, कि किस तरह से 50 वर्ष उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष की क्या गाथा है, और कितने करीब से वो देश को और जनता की पल्स को पहचानते हैं, नब्ज को पहचानते हैं। जब मैंने ये सोचा, जब मैंने इस किताब को पढ़ा, बारंबार मैंने उसको पढ़ा, और तब ये जाके मैंने नतीजा लिया और मैं बीजेपी की लीडरशिप से मिला और मैंने कहा कि मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। मेहनत करने का जज्बा है, मेहनत करूंगा, और डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि जब से मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है, जिले की कोई ऐसी पंचायत नहीं जहां मैं नहीं पहुंचा हूं। मेरा प्रयास रहा है, मैं पहुंचा हूं। पुनः यहां पर बैठी हुई लीडरशिप को बोलना चाहता हूं, आपसे सीखना चाहता हूं, काम करने का जज्बा है, एक अच्छे डीएनए से आता हूं, जैसे सांसद जी ने कहा, जिसने 70 साल से लोगों की सेवा की है। अगर आप इस पौधे को ठीक से सींचेंगे तो बीजेपी और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करेगा। जय हिंद, जय बीजेपी। एक बार फिर से बोलिए, एक ही नारा, एक ही नाम, इसको ना मानता होगा और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन ना करना चाहता होगा। मैंने पार्टी एक कार्यकर्ता के तौर पर ज्वाइन की है, अध्यक्ष जी और सभी वरिष्ठ नेताओं का अगर आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द सिस्टम को, रीत नीत को समझ जाऊंगा। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैंने एक ही बात कही थी और वो उनका इतना बड़ा हृदय, उन्होंने प्रेस के सामने भी ये बात कही थी। जितने भी बड़ी पार्टी की लीडरशिप से मेरी मुलाकात हुई, मैंने सिर्फ एक ही बात कही थी कि साहब काम करना चाहता हूं, मेहनत करना चाहता हूं, बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां काम का सम्मान होता। और इस साल विदित है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है देश की और विश्व की जहां किसी से उसका सरनेम नहीं पूछा जाता है, आपकी क्या जात है ये नहीं पूछी जाती है। तो सांसद जी, यही तो समाजवाद है, यही तो समाजवाद है। काम करने की इच्छा है साथियों, काम करूंगा, सीखने की इच्छा है, हो सकता है थोड़ा गड़बड़ाऊं, गिरूं, लेकिन अगर आपका हाथ और सहारा मिला तो खड़ा हो जाऊंगा और पुनः बीजेपी और देश के लिए काम करूंगा। ये मेरे जीवन का एक ऐसा पल है कि जीवन एक नया मोड़ ले रहा है, परंतु कोई भी बड़ी घटना एक या दो दिन में नहीं होती है। पर्याय मैं अपने प्रेस वालों से भी ये कहना चाहता हूं, आप आमतौर पर हमारे प्रेस के साथी आमतौर पर राजनीतिक दलों की गतिविधियां, खासतौर से बीजेपी की गतिविधियों में चुनाव के समय ज्यादा जोर डालते हैं और ज्यादा कैमरा डालते हैं, परंतु ये वो मशीन है और ये मैंने पढ़ाई से सीखा है, ये वो मशीनरी है जो 24 घंटे 365 दिन जन कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करती रहती है। ये घटना एक दिन, दो दिन, एक महीने, दो महीने की नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ा हाथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस का है। मेरे, अब इसको इत्तेफाक मानिए, मेरी खुशकिस्मती मानिए कि मेरे बहुत सारे करीबी मित्र आरएसएस द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष की भी ट्रेनिंग
करके रखे उन्होंने से एक हैं रहे हैं जिनको यहाँ पर बैठे हुए लोगों ने काम करते हुए देखा है। जिंदगी में कई कद्दावर नेता हुए हैं लेकिन वो सबसे अंतिम नेता रहे हैं जिनकी दूती बिंदु के साथ साथ भोपाल में भी हमेशा गूंजती रही। जब तिवारी जी दुनिया को छोड़ के गए थे तब हम लोगों ने देखा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं, सिर्फ रीवा के लोग नहीं, पूरे बिंद क्षेत्र के सभी दलों के लोग, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, सारे लोग अपने आप स्वस्फूर्ति अपने घरों से निकल के उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वहां पर, मैं तो आश्चर्यचकित था देख, जिनको ये मैं मानता था कि ये श्रीनिवास तिवारी के धुर विरोधी, उनको भी मैंने उनके अंतिम संस्कार में वहां पर बैठे हुए देखा, चाहे वो सीधी के हो, शहडोल के हो, मैहर के हो, सीधी के हो, सिगरौली के हो, उस दिन मैंने अंदाज लगाया कि तिवारी जी का कद जो था वो बहुत ऊंचा था और उनकी पार्टी में इसे बहुत मतलब नहीं रहता है। मतलब ये रहता है कि राजनीतिक, मैं तो ये मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का है वो हमारी राजनीतिक बिरादरी का है और वो जनता के लिए, समाज के लिए, दलित और शोषित के लिए, जरूरतमंदों के लिए अपने अपने तरीके से काम कर रहा है। लेकिन सिद्धार्थ जी, आपका अपमान हुआ कांग्रेस पार्टी में, इसलिए आप कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो आपने बहुत सही काम किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी अपमान किया, जहां ग्वालियर चंबल संभाग में 30 सीटें आई भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी की, बाद में राज्य सभा की टिकट के लिए भी लाले पड़ गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो इसलिए उन्होंने निर्णय लिया और एक ऐसी सरकार जो 15 महीने में हाहाकार मचा दिया था, जिस सरकार हमारे रीवा में ही कोई भी योजना नहीं स्वीकृत नहीं कराई, जो स्वीकृत योजनाएं थी उसको निरस्त करने का अभियान शुरू कर दिया। ये इको पार्क जिसको देख के आज रीवा की जनता गौरवान्वित हो रही है उस योजना को निरस्त करा दिया। मोहनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, उस योजना को निरस्त करने का काम कर दिया। कांग्रेस का यह हाल है कि उनके गठबंधन का तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का लड़का उदय निधि यदि ये कहे कि सनातन धर्म डेंगू है, कोविड है, इसको समाप्त कर देना चाहिए, जैसे कोविड को समाप्त करने का काम हुआ है, जैसे डेंगू को, और कांग्रेस पार्टी मूक दर्शन बनके तमाशा देख रही। इनके नेताओं को ये चिंता नहीं हो रही है कि हमारा ये साथी किस प्रकार के बयानबाजी कर रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं को इस बात की चिंता नहीं हुई, लेकिन सिद्धार्थ तिवारी को इस बात की चिंता हुई और उन्होंने कहा कि इस प्रकार के बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यदि इस प्रकार से हम मुकर होंगे और सही के लिए नहीं खड़े होंगे तो हमारा देश रसातल पे चला जाएगा। ये तो गनीमत है कि मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो सनातन की लहर पूरे देश में चल रही है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। कभी किसी ने सोचा था? हम ही लोगों को मजाक उड़ाते थे लोग जब ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी के लोग हमारा मजाक उड़ाते थे और कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब कान खोल के कांग्रेस के लोग सुन ले कि जनवरी के महीने में 2024 में भगवान रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री, देश के तमाम उलझे हुए मामले जो हमारे देश को दीमक की तरह खत्म कर रहे थे, धारा 370 हो, 35 हो, नागरिकता संशोधन कानून हो, और किसी दिन अभी ये समान नागरिक संहिता भी पास हो जाएगी तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार की सरकार की तो हमारे देश में आवश्यकता थी, इसी प्रकार के नेतृत्व की तो हमारे देश में आवश्यकता थी। दुनिया अब ये समझ रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था
1893 में कि भारत विश्व गुरु बनेगा, उस महापुरुष की भविष्यवाणी के साकार होने का सहयोग बन रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम का डंका सारी दुनिया में बजने लगा है। अब मोदी जी देश के नेता नहीं है, वैश्विक नेता है, वर्ल्ड लीडर है वो, और उनका हाथ हम मजबूत नहीं करेंगे तो क्या अमेरिका का आदमी आके मजबूत करेगा? क्या चाइना का आदमी उनके हाथों को मजबूत करेगा? और उनका हौसला नहीं बढ़ेगा तो कैसे भारत विश्व गुरु बनेगा? इसके लिए देश के नौजवानों को आगे आकर और भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करने की आवश्यकता है। ये विचार है हमारा, किसी से मतभेद मनभेद नहीं है। विचारों का मतभेद हो सकता है लेकिन समय समय पे हम अपने विचारों को संशोधित करें, उसको ठीक करें, समय की परिस्थितियां देखें, नजाकत देखें, और जब हम नजाकत देखेंगे, ये चुनाव किसी को हराने जिताने का खेल थोड़ी है, ये चुनाव तो अपने बच्चों के भविष्य को बनाने का मामला है, ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य को संवारने का सवाल है। और इसलिए सही दिशा में चलने वाली राजनीतिक पार्टी को लोकतंत्र को वरदान बनाने के लिए इस प्रकार से दिल खोल के और लोग आपका यहाँ पर अभिनंदन करेंगे, मन में सत्ता रहती है। लेकिन सबको जोड़ जोड़ के तो पार्टी यहाँ पहुंची है। गिरीश गौतम जी यहाँ बैठे हैं, आदरणीय नागेंद्र सिंह जी बैठे हैं, मैं खुद, और सांसद जी बगल में बैठे हैं, प्रदीप पटेल जी बैठे, सब अलग अलग धाराओं से आकर और गंगा जी में मिल गए। तो भारतीय जनता पार्टी एक गंगा है जो देश के निर्माण का एक पवित्र और महान कार्य कर रही है, ये मिशन है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक मिशन है, भारत को परम वैभव के स्थान पर पहुंचाने वाला मिशन है ये। और इसलिए सभी का पार्टी दिल खोल के स्वागत करती है। आपने देखा भोपाल में मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष ने आपको गले से लगाया और आज यहाँ पर पूरी पार्टी आपको गले से लगा रही है। आप पूरे उत्साह के साथ इतने बड़े जो और उनके जाने के बाद तिवारी जी के जाने के बाद ये जो समर्थक है ये सोच रहे थे, आशा की किरण आप भी देख रहे थे। अब आशा की किरण तो देख रहे थे लेकिन सोच रहे थे कि पार्टी तो ठीक नहीं है, लेकिन अब तिवारी जी के नाती आई तो चीज इनके साथ रहेगा। अब ये लोग बड़े खुश हैं, अब ये लोग खुश हैं कि तिवारी जी के से अलग ही नहीं होना पड़ा, उनके विचारों उनके उनका जो योगदान है और सही पार्टी में राज पहुंच गए तो हमको काम करने में कोई दिक्कत नहीं। और ये सब ये जो उत्सव का कार्यक्रम, इसका दुल्हा केवल सिद्धार्थ तिवारी दूसरा को, हम लोग तो बराती है, आज के दूल्हा यही है। और जब वो बोल रहे थे कि हमने जब समझा देखा तो मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं। कांग्रेस पार्टी में उन्होंने ये देखा कि कांग्रेस पार्टी इस देश के सनातन के धर्म को खत्म करने का प्रयास कर रही है, और शायद ये विचार करने में सिद्धार्थ जी ने थोड़ा सा देरी कर, क्योंकि मुझे याद है मैं जब स्पीकर हुआ तो मेरे पास अफसर लोग आते हैं, कांग्रेस के लोग भी आते हैं, उनके जब मंत्री मेरे पास आते थे तो एक बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे, वो कहते थे कि गौतम जी मैं क्या बताऊंगा आपसे, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, हम कैबिनेट मिनिस्टर थे, और जब उनके पास मिलने जाते थे और चले गए अंदर चले गए तो सीधे कहते थे कि हैव यू टेकन अपॉइंटमेंट, आपने अपॉइंटमेंट लिया है? तो बोले हाँ नहीं लिया, तो बोले पहले बाहर जाओ अपॉइंटमेंट लो, बाद में जब टाइम मिलेगा तब आना। इतना अपमान को झेला कैसे आप, इतना समय क्यों लगाया? जिस श्रीनिवास तिवारी ने किसी के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया उसके पुत्र हो, जिस सुंदरलाल तिवारी ने सबके लिए लड़ा हो उसके पुत्र हो, केवल राजनीतिक विरासत की बात नहीं करता, वो डीएनए की भी बात करता, जो लड़ने का एक जज्बा था, लड़ने का जो संघर्ष था, मैं तब उनका विरोधी था, वो अंदाजा लगा लो। और इसलिए मैंने तब भी कहा था, आज भी कहना चाहता हूं, राजनीति में मनभेद का स्थान नहीं होना चाहिए,
हमारे मतभेद हो सकते हैं, विचारधारा के तमाम सारे विरोध हो सकते हैं। कांग्रेस से लड़ाई हमारी इसी बात की है। अभी तत्काल में देखो देश को कहां ले जाना चाहते हैं वो। अभी एक युद्ध शुरू हुआ है इजराइल का फिलिस्तीन का, जरा देखा ना अखबारों में पढ़ना। कांग्रेस का जो देश के कार्य समिति का जो बैठक में हुई प्रस्ताव जो पारित हुआ, कितना अजीब प्रस्ताव है। उन्होंने निंदा की इजराइल के हमले की, पर उन्होंने निंदा हमास की नहीं की, जिस हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में घुस करके 5 साल के बच्चे को, वीडियो में देखना, 5 साल के बच्चे को 10-10 गोलियों से भून रहे, 5 साल के बच्चे को। वो इनको दिखाई नहीं पड़ता, वो दिखाई इसलिए नहीं पड़ता कि कहीं यहां हिंदुस्तान का वोट न नाराज हो जाए। हम उनके खिलाफ बोल देंगे तो जो तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले उनको ऐसा लगता है कि कहीं ये पूरा एक जो थोक वोटर को जिसको देखते हैं वो कहीं नाराज ना हो जाए। और राजेंद्र जी ठीक कह रहे थे, इसीलिए बर्दाश्त करके रखा। सनातन धर्म को डेबू करने वाले और उसको कोरोना की तरह ट्रीट करने वाले को साथ में गले मिला करके चलते हो, और यहां आकर के चुनाव आ गया तो हनुमान जी की गाथा गाते हो। चिंता मत करना, ऐसे हनुमान भक्तों को हनुमान जी का गदा न केवल उनको लिए है, विरोधियों के लिए भी होता, उनके लिए भी है जो उनके साथ होता है। और काल में बन के बैठते हो, हनुमान जी को धोखा देना चाहते हो। चुनाव आएगा तो जने ऊपर धारण कर लो और बाकी लगे रहोगे हमास के पक्ष में, हमास के आतंकवादियों के पक्ष में, उनका गुणगान करोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि सिद्धार्थ जी ये सही फैसला आपका है। अरीवा जिले की ये ऐतिहासिक है, और इसलिए भी मैं कहना चाहता हूं, हम सब लोगों ने 2018 में 8 की 8 सीटें जीती थी, 8 सीट जीती थी, अब 9वीं तो बची नहीं है, 9वीं है ही नहीं है। अब जब 26 में होगा परसीमन तो शायद ना हो, पर अभी तो 8 है। तो हमारी 8 की 8 सीटों में यदि पिछली बार सारे सीटों का जोड़ लगाओ तब उन्हें को वोट मिला था करीब 5.25 लाख। अभी सिद्धार्थ आए हो, आप सब उनके समर्थक हो, इस बार ऐसा फैसला करो कि 6 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी के झंडे। प्रत्येक विधानसभा में उसी तरह से वोट पड़ा जैसा लोकसभा में पड़ा हुआ जाएगा। रीवा जिले की ये वोट इसलिए नहीं है कि हम 8 सीट जीत जाए, ये इस बार का चुनाव इसलिए है, कुछ खानदान का अपमान किया गया जिसके बिंद के नाम पर बिंद की राजनीति जिनके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती रही हो, उस परिवार का अपमान किया गया। उस अपमान का बदला लेने की आवश्यकता है, और वो बदला तभी पूरा होगा जब कमलनाथ की पार्टी को कांग्रेस को दंड दिया जाए। दंड कोई ऐसा मत करना कि झंडा उधर छोड़ के आओ, डंडा इधर लेके आओ, झंडे से दंड। झंडा तो हाथ उतार के आए, डंडा और हाथ में लेके आए, डंडे से दंड नहीं देना। 17 नवंबर को पोलिंग में पहुंच करके केवल देव दनादन कमल, देव दनादन। इतनी ज्यादा कमल की बटन दबा दो कि जब पेटी बंद होकर के आवे तो प्रेसाइडिंग अफसर हम लोगों से मिले तो बोले साहब सारा कमल का, तो मैं पूछूं क्यों है तो बोले वो काली पड़ गई है, बटन काली पड़ गई है, इसलिए करने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है, मैं विश्वास करता हूं कि हम सब मिलकर के पूरे रीवा जिले के भीतर से एक संदेश देना चाहते हैं कांग्रेस को कि जो तुमने किया है उसका प्रतिफल तुमको भोगना पड़ेगा। और मित्रों, अबे नीचे समाचार अखबार वाले पूछत रहे कि कहा है, तो श्रीनिवास तिवारी जी हमेशा कांग्रेस से और भाजपा के खिलाफ लड़े, तो हम कहें नहीं आता तू अबे 30-40 साल की बात पूछता है। श्रीनिवास तिवारी जी के अंगना मां पहला बीज कांग्रेस के रोपा गा। श्रीनिवास तिवारी वो शख्स आई जे अविंद के इलाका मां कांग्रेस के विरोध में बीज बोई न अपने आंगन में, और वो बीज बहुत बड़ा फला वो नारा लगा कहा है।
जोशी जमुना श्रीनिवास, वह जमाने के बाद हम कही थे या जो लोग कहा थे कि सिद्धार्थ तिवारी कांग्रेस छानी, बिल्कुल गलत बात कहा थे। सिद्धार्थ तिवारी में श्रीनिवास तिवारी के डीएनए है, कांग्रेस के लोग के डीएनए है। खून का श्रीनिवास तिवारी के वो डीएनए का श्रद्धा से आप नस्रत से खोली थे। श्रीनिवास सिद्धार्थ जी आपको मैं बधाई देता हूँ कि आपने उस डीएनए की बात रखी है, उसका मान रखा है। कांग्रेस के विरोध में आपने जो झंडा बिगुल बजाया है वो श्रीनिवास तिवारी जी के बचपन में भी रोपे गए पौधे का बीज का आप उसको अधिक फलदार बनाएंगे, छायादार बनाएंगे। और केवल ये व्यक्तिगत नहीं, सैद्धांतिक बात भी है। हम लोगों ने, मैं भी उसी विद्यार्थी, उसी स्कूल का विद्यार्थी हूँ, मैंने भी जमुना प्रसाद शास्त्री के चरणों में समाजवाद की शिक्षा लेकर के और दलितों, गरीबों, वंचितों, शोषितों, किसानों, मजदूरों, मजलूमों के खिलाफ जो आवाज उठाई थी, आज उसी मजदूर के खिलाफ, उसी मजलूम के खिलाफ, उसी बेसहारा के खिलाफ, उसी असहाय के खिलाफ, उसी किसान के साथ, उसी मजदूर के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और निश्चित रूप से जो समाजवाद का सपना नरेंद्र श्रीनिवास तिवारी जी ने देखा था, उसे नरेंद्र मोदी जी पूरा करने के लिए, शिवराज सिंह पूरा करने के लिए पूरी क्षमता के साथ, पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। मैं इन्हीं सपनों के साथ मैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।